नमस्कार, मैं आशुतोष राणा क्राइम पेट्रोल के नए अध्याय शातर क्रिमिनल्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दुनिया का शक्तिशाली से शक्तिशाली व्यक्ति अपने बीते हुए समय को बदल नहीं सकता। याद रखिए, हमारा अतीत हमारे साथ परछाई की तरह चलता है। हम लाख कोशिश कर लें मगर हम अपने अतीत को बदल नहीं सकते, उसे झुटला नहीं सकते। वक्त का पहिया रीमा को भी उस मकाम पर ले आया था जहां उसका खौफनाक अतीत उसके सामने सुरसा की भांति मुंह खोले हुए खड़ा था, और अतीत की यह दस्तक रीमा की जिंदगी पर कहर डालने वाली थी। बोलिए रीमा जी। रीमा जी, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो इट्स ओके, हम फिर किसी दिन बात कर सकते हैं। सर, मेरी मां का रेप हुआ था 18 साल पहले। सीमा जी, आपने बहुत अच्छा किया जो अपने बेटे की बात मानी। अपने गुजरे भयानक अतीत का सामना करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। सीमा जी, 18 साल पहले जो ये दर्दनाक घटना आपके साथ घटी, ये आप हमें डिटेल में बताइए प्लीज। क्या राजू, 2001 की रात थी। रीमा। उस घटना के 18 साल के बाद उस आदमी ने अचानक से कॉल किया आपको। जी। रीमा जी, जब ये घटना घटी आपके साथ, उस वक्त आपने पुलिस कंप्लेंट तो की ही होगी। जी, प्रताप नगर थाने में करवाई थी। तब इंस्पेक्टर मुकेश राठौर इंचार्ज थे। प्रताप नगर पुलिस स्टेशन से कांटेक्ट करो। सर, दोनों स्टेटमेंट अलग है मतलब? यस सर, ये रीमा का रीसेंट स्टेटमेंट है जो उसने हमें दिया है, और ये 2001 का स्टेटमेंट है। दोनों स्टेटमेंट में उसने अलग अलग कहानी सुनाई है, रेप की तारीख से लेकर हर इंसिडेंट एकदम अलग है सर। मानो दोनों केसेस एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो। और रेप के कुछ दिन के बाद, यानी कि 17 जून 2001 को उसने प्रताप नगर थाने में रेप की शिकायत दर्ज करवाई अपने पति राजेश चौहान के साथ। बोली रीमा जी, डरी मत। मेरा रेप हुआ है, वो जबरदस्ती घर में घुस गया था। कौन था वो, कब हुआ है? 13 जून। पूरी बात बताइए रीमा जी, तब आप क्या कर रही थी, आपके पति कहाँ थे? इनकी नाइट ड्यूटी थी। करीबन 10 बजे मैं अपने कमरे में सो रही थी जब रीमा। आप घर कब लौटे? करीब 1:30 बजे। ओए, 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 रुक साले, ओए। एक मिनट, रेप 13 जून को हुआ और आप लोग रिपोर्ट लिखवाने आए हैं?
मैं बहुत डर डर गई थी। गलती रीमा की नहीं है सर, हमारी सोसाइटी ही ऐसी है जहां पर रेप से ज्यादा रेप के विक्टिम को ताने जाने पड़ते हैं। ये 18 साल पुरानी बात है, माना इतने टाइम में आदमी काफी सारी चीजें भूल जाता है, लेकिन रेप के वक्त रीमा का पति रीमा के साथ था या नहीं ये वो कैसे भूल सकती है? सवाल ये उठता है मिश्रा के 18 साल पहले जो रीमा ने स्टेटमेंट दिया था वो गलत था या अब जो हमें दिया है वो गलत है? हमें दोनों स्टेटमेंट वेरीफाई करने होंगे। सर रीमा चौहान के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए। रीमा को उस रात 11 बजे साउथ दिल्ली के लैंडलाइन से कॉल आया था। दिल्ली पुलिस से कॉन्टेक्ट करो, पता करो वो आदमी कौन था जिसने कॉल किया था। चेक करो। उसने यहां मेरे साथ आपने बताया कि उसने गमछे के टुकड़ों से बांधा था, वो टुकड़े कहाँ हैं? जी वो तो वो अपने साथ ले गया। नहीं शायद एक मिनट सर, यहाँ शायद ये रीमा के मेडिकल एग्जामिनेशन में ऐसा कोई सॉलिड एविडेंस नहीं मिला जिससे प्रूव हो सके कि रीमा का रेप हुआ है। क्या रेप के कुछ दिन बाद एग्जामिनेशन हुआ इसलिए? मे बी, लेकिन एक कारण ये भी है कि रेप होने के बाद रीमा अपने पति राजेश के साथ सेक्सुअली एक्टिव थी। क्या? हाँ, क्योंकि प्राइवेट पार्ट पर जो मार्क्स मिले हैं वो एक पैशनेट सेक्स की वजह से भी हो सकते हैं। ये तो रीमा ने खुद ही अपना केस कमजोर कर लिया। एक बात और सर, रेप होने के बाद विक्टिम को अक्सर कलाई जांघों पर छोटे मोटे घाव लगते हैं, लेकिन रीमा के केस में उसकी बॉडी पर एक छोटी सी खरोच तक नहीं थी। इट्स स्ट्रेंज, क्या रीमा ने बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं किया होगा? सर आपको एक बात बतानी थी। क्या? रीमा का जहां रेप हुआ था उस जगह 11 जून को चोरी की 3 वारदातें हुई थी। रीमा के केस से कोई कनेक्शन लगता है? सर चोर की कदकाठी रीमा के रेपिस्ट से मेल खाती है, और एक विटनेस का कहना है कि उस चोर ने गमछा भी पहन रखा था। चोरियां हुई 11 जून को और रेप हुआ 13 जून को, हो सकता है दोनों क्राइम एक ही आदमी ने किया। लेकिन सर जहां चोरी हुई वहां रेप की कोई वारदात नहीं हुई, और जहां रेप हुआ यानी कि रीमा के घर वहां चोरी नहीं हुई। सर मुझे दोनों केसेस अलग अलग ही लग रहे हैं। सर 2001 में भी इन्वेस्टिगेटिंग टीम को इस बात का शक था कि रीमा उनसे कुछ छुपा रही थी, उसके कैरेक्टर पर भी सवाल उठे थे। शनी अफेयर, तो क्या ये रेप का नाटक अफेयर को कवर करने की वजह से था? अगर ऐसा था तो फिर इतने सालों बाद वही नाटक करने के पीछे क्या वजह हो सकती है? सर आप हम लोगों पर ही शक कर रहे हैं, मेरी बीवी के साथ गलत हुआ सर, और आप लोग। राजेश मैं तुम्हारा फ्रस्ट्रेशन समझता हूँ, पर सवाल खड़े हो रहे हैं, तुमने एफआईआर फाइल करने में देरी की। सर मैंने बताया था ना कि रीमा डरी हुई थी। यही नहीं, रीमा का रेप होने के बाद भी तुम और रीमा सेक्सुअली एक्टिव थे, ये कोई मामूली बात नहीं है राजेश। तब मुझे पता ही नहीं था कि रीमा के साथ में रेप हुआ है। क्या? उस रात जब मैं गमछे वाले आदमी के पीछे भागा। रीमा, रीमा, राजेश, रीमा, राजेश, वो डरने की कोई बात नहीं, भाग्या वो, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं, ठीक तो ना? तुम चिंता मत करो, मैंने अपने आप को बाथरूम में बंद कर लिया था। थैंक गॉड, तुम्हें कुछ हुआ नहीं, वरना रीमा को देखकर लगा ही नहीं कि उसके साथ किसी ने जबरदस्ती की है,
लेकिन कुछ दिन बाद। अरे रीमा जल्दी बाहर निकलो यार, लंच बॉक्स दे दो, लेट हो रहा हूं। क्या हुआ? नहीं बस वो थोड़ी सी कमजोरी है। झूठ मत बोलो, कल भी बोला था ना तुम्हें कि डॉक्टर के चलो। एक दिन और देख लेते, फिर पक्का चली जाऊंगी। इस पेन को इग्नोर करने से काम नहीं चलेगा। आज शाम को चलते हैं तुम्हारे डॉक्टर मित्तल के। मैं जल्दी आ जाऊंगा, तुम बस तैयार रहना। डॉक्टर मित्तल गायनोकोलॉजिस्ट, उन्होंने मुझे बताया कि रीमा के साथ, मैंने घर आते ही सीधे सीधे रीमा से पूछ लिया। मैं डर गई थी, मुझे लगा था कि आप मुझे छोड़ देंगे। इतना भी भरोसा नहीं था मुझ पर। अरे भूल तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे साथ गलत हुआ है। उस कमीने को तो छोड़ूंगा नहीं मैं। रीमा, हम पुलिस के पास जाएंगे। पुलिस? हाँ रीमा, हमें पुलिस के पास जाना ही होगा। अच्छा ये गमछे वाला आदमी कौन हो सकता है? विपिन, विपिन सोनी हो सकता है सर। वो रीमा कॉलेज में एक साथ थे, एक साल पहले उसकी इसी शहर में नौकरी लग गई। मुझे पता चला कि मेरी गैर हाजिरी में अक्सर पुरानी दोस्ती के नाम पर वो रीमा से मिलने आता है। जगन सर, पूजा दैया रेप केस की फाइल निकालो। जी सर। सर मैंने पता किया है, राजेश की गैर हाजिरी में जो आदमी रीमा से मिलने आता था वो विपिन ही है। याद रखिए रीमा जी, पुलिस को गुमराह करना भी एक जुर्म है। आप क्या कह रहे हैं, मैं कुछ समझ नहीं पा रही। मैं समझाता हूँ। सालों पहले पूजा दैया नाम की औरत का केस अखबारों की सुर्खियां बना था, आपने नाम जरूर सुना होगा। जी नाम तो सुना हुआ है। बिल्कुल आपसे मिलता जुलता केस है। आप ही की तरह उसके घर में भी मुंह पर गमछा बांधकर एक आदमी घुसाया था, आप ही की तरह उसके साथ जबरदस्ती की। कहना क्या चाहते हैं? यही कि आपने इसी बात का फायदा उठाया। जब आपके पति राजेश ने विपिन को घर से भागते हुए देखा तो आप डर गई और आपने पूजा दैया की कहानी को अपनी कहानी से जोड़ दिया। राजेश प्लीज समझाइए इन्हें। आप समझिए मिस रीमा चौहान, आपके पड़ोसियों ने कन्फर्म किया है कि आपका दोस्त आपसे मिलने अक्सर आपके घर आता था। आपके पति ने भी कन्फर्म किया है कि उनकी गैर हाजिरी में आपका दोस्त विपिन अक्सर घर आता था। और इन्वेस्टिगेशन वहीं रोक दे गए, पुलिस ने रीमा को वार्निंग देकर केस क्लोज कर दिया। यानी विपिन सोनी से पुलिस ने बात की नहीं, जिसके साथ रीमा का अफेयर होने का शक था। जी, और अब तो इस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मुकेश जी रिटायर्ड हो चुके होंगे, हालांकि उनके घर का एड्रेस पता करने के लिए बोल दिया मैंने। कहानी एक ही है लेकिन सब अपना अपना वर्जन सुना रहे हैं, और अपने वर्जन में हर कोई सही होता है। रीमा से एक बार और मिलते हैं, देखते हैं इस बार क्या कहानी सुनाती है। आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है? रीमा जी, हम बातों पर नहीं सबूतों पर यकीन करते हैं, और आपकी कहानी में तो कई कहानी मिली हुई है। 18 साल पहले आपने कुछ और कहा था, आपके पति ने कुछ और कहा था, और अब आप हमें कुछ और कहानी सुना रही है। बेटा शायद आपकी मदर आपके सामने कंफर्टेबल नहीं है, सो प्लीज। निधि तो रुक, 18 साल पहले मुझे एक बुरी बीवी माना गया था जो अपने पति को धोखा दे रही थी, जिसने अपनी रेप की झूठी कहानी सुनाई। लेकिन ये सब मैंने सिर्फ अपने पति के कहने पे किया था। हमें पुलिस की? नहीं, पुलिस नहीं, बिल्कुल नहीं। भूल जाओ कि तुम्हारे साथ कुछ हुआ है, सब कुछ भूल जाओ। राजेश ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी इज्जत? यार तुम्हारी इज्जत से ज्यादा मेरा नाम, मेरा रुतबा, मेरी मर्दानगी मायने रखती है। हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज किसी से कुछ नहीं कहोगी तुम, कुछ भी नहीं।
रीमा, ये इंजरीज नॉर्मल नहीं है, बताओ मुझे क्या हुआ है। कुछ कुछ भी। रीमा, तुम कुछ छुपा रही हो ना? आप क्यों जिद कर रही हैं? रीमा के लिए यही सही है कि वो सब कुछ भूलकर। ये भूलने वाली बात नहीं है राजेश, रीमा के साथ जो हुआ है वो गुनाह हुआ है और गुनहगार को सजा मिलना जरूरी है। तुम उसके पति हो, तुम्हें उसका साथ देना चाहिए, और अगर तुम में हिम्मत नहीं है तो मुझे कह दो, मैं इसे पुलिस स्टेशन लेके चली जाऊंगी। नहीं नहीं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं ले जाऊंगा रीमा को पुलिस के पास। मजबूरी में राजेश को मुझे पुलिस स्टेशन ले जाना पड़ा, लेकिन वहां उसने मुझे पूरा सच नहीं बताने दिया। मेरा रेप हुआ ये सच है, लेकिन उस वक्त राजेश वहां नहीं था, ये झूठ। चलो माना आपने अपने पति के कहने पर झूठी गवाही दी, लेकिन आपने रेप के तुरंत बाद अपने पति के साथ फिजिकल रिलेशन बनाए, ऐसा क्यों? अगर सही वक्त पर मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाता तो रिबिस को पकड़ने में आसानी होती। वो फिजिकल रिलेशनशिप मेरी मर्जी से नहीं बने थे, वो भी रेप ही था। शराब पी कर आए? हाँ आया हूँ पी के। तो दूर हटके बहुत बदबू आ गया। उस आदमी ने तो सिर्फ मेरे शरीर को दर्द दिया था, लेकिन राजेश। और जब आप डॉक्टर से मिली तो आपने डॉक्टर को अपना सारा सच बता दिया? कुछ सोचा नहीं था सर, बस जिसने थोड़ी सी हमदर्दी दिखाई उसके सामने दिल खोल के रख दिया। तो जो आपके पति ने दिखाया पुलिस ने उसी को सच मान लिया और आपका सच सामने नहीं आया? आता कैसे, पुलिस ने ना कभी डॉक्टर ना कभी विपिन से कोई बात की। विपिन कभी आपसे मिलने आया था? नहीं, विपिन पे बहुत प्रेशर बन गया था इसलिए वो शहर छोड़ के चला गया था। लेकिन आपके पड़ोसियों ने तो उस वक्त बयान दिया था कि आपका रेप होने के बाद विपिन आपसे मिलने आया था। ये भी राजेश की चाल थी, विपिन अच्छा लड़का था, हसमुख था। राजेश ने कहा था कि वो विपिन को मेरे पास भेजेगा ताकि मेरा मन बहल जाए, पर बाद में समझ आया ये सिर्फ राजेश का प्लान था ताकि सबकी नजरों में मैं झूठी बन जाऊं। और वही हुआ। एक रेप विक्टिम से ना सोसाइटी यही एक्सपेक्ट करती है कि वो मजबूर दिखे, दुखियारी दिखे। अगर वो थोड़ा सा हंस ले, नॉर्मल जीने की कोशिश करे तो पता नहीं क्या छुप जाता है लोगों को। पूजा दहिया को जानती हैं आप? पहले आप ही के इलाके में रहती थी, उसके घर में भी एक आदमी ठीक आप ही के घर की तरह चेहरे पर गमछा बांध के घुस गया था। जी, मैंने सुना तो था कि पूजा दहिया के केस में किसी को अरेस्ट किया गया। पूजा दहिया का केस स्टडी किया था तुमने? जी सर, और मुझे ऐसा लग रहा है कि पूजा दहिया और रीमा चौहान का केस आपस में कनेक्टेड है। तो क्या उस आदमी ने पूजा दहिया से भी कॉन्टेक्ट किया होगा? इतने सालों के बाद वो अपने विक्टिम को कॉल क्यों करेगा? यह केस पुलिस के सामने एक चुनौती बन के खड़ा था। वारदात एक थी लेकिन कहानियां अलग अलग। क्या राजेश ने अपने स्वार्थ के लिए झूठ का जाल बुना था, या पीड़ित नजर आ रही रीमा सबकी नजरों में धूल झोंक रही थी? अगर यह खेल रीमा का रचाया हुआ था तो आखिर इसके पीछे उसका इरादा क्या था? और यह पूजा दहिया, ये कौन थी जिसका जिक्र छिड़ा गया था? क्या थी पूजा की कहानी? मैं नहीं जानती कि वो कौन था। उसने अपना चेहरा गमछे से छुपा रखा था। उसके बोलने का तरीका, उसके कपड़े, या फिर अगर ऐसा कुछ जो आपको अलग लगा हो। अंकल, उस आदमी ने मुझे कुछ लिखने को दिया था। बात बात पर मुझे छड़ी से मारता था, मुर्गा बनाता, बहुत जलील करता था मुझे। रवि, फिंगरप्रिंट्स कलेक्ट करो और फॉरेंसिक टीम बुलाओ। सुअर के बच्चों, तुम्हें कोई फिंगरप्रिंट नहीं मिलेगा। ऐसा कहा था उसने बोलने के लिए मुझे। वो आदमी बोलते वक्त हकलाता था,
खासकर चबोते वक्त। इन्वेस्टिगेटिंग टीम ने इस पूजा दहिया का बैकग्राउंड खंगाला सर। पूजा की फैमिली में दूर दूर तक कोई भी टीचिंग प्रोफेशन में नहीं था। शायद गुमराह करने के लिए लेटर लिखवाया गया हो। पहली टीम का भी यही मानना था। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि उसने अपनी आप बीती लिखवाई हो। शायद उसके बचपन में उसके साथ कोई भयंकर हादसा हुआ हो। रेपिस्ट ने नकुल से और भी कुछ लिखवाया था। ये देखिए, सबसे पहले पूरा घर सर्च करेंगे, दरवाजे देखेंगे, तेरी माँ का बयान लेंगे, तेरा बयान लेंगे। ये जो कोई भी है पुलिस प्रोसीजर को बहुत अच्छे से जानता है। एक एक चीज लिखवाई है। मतलब ये पुलिस वाला भी हो सकता है या फिर कोई ऐसा जिसका अपना पुलिस में हो या फिर रहा हो। सर, सर रीमा के केस के आईओ मुकेश राठौड़ का एड्रेस मिल गया है। रिटायर होने के बाद वो यही जयपुर में सेटल्ड है। लाइमलाइट के लिए? ये क्या कह रही है तू? मैं नहीं, नेबर्स, रिलेटिव सब यही बोल रहे हैं। देख, लोग कुछ भी कहें, लेकिन तू तो मुझ पे यकीन करती है ना? तुझे भी लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? ये पापा की डायरी है ना, इसमें भी यही लिखा है कि आप अटेंशन पाने के लिए कुछ भी कर सकती हो। लो पढ़ो। यदि तूने अपने पापा को ना सिर्फ फोटोज में देखा है, या फोटोज में लोगों की सोच उनकी नीयत के बारे में कुछ पता नहीं चलता बेटा। अच्छा गिरा दूं? क्यों? क्योंकि ये मेरा नहीं है, उस कमीने का है। कितनी बार आपको बताऊंगी कि ये हमारा बच्चा है, ये मुझसे बेहतर और कौन जान सकता है? अरे मुझे कुछ नहीं पता, गिरा दे ये बच्चा, हम दूसरा कर लेंगे। बहुत कोशिश की तेरे पापा ने मेरा अबॉर्शन कराने के लिए, लेकिन कोई डॉक्टर राजी नहीं हुआ। एक दिन तो तेरे पापा ने मुझे सीढ़ी से धक्का तक दे दिया था। लेकिन तेरी किस्मत में ना जीना लिखा था। मुझे लगा तेरी शक्ल देख देख कर ना अब राजेश के अंदर का बाप जाग जाएगा। एक दिन किसी ने मजाक में उनसे कह दिया कि तेरी शक्ल उनसे नहीं मिलती। बस उस दिन वो बिल्कुल टूट गए थे। मैंने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो एकदम खामोश हो गए थे। और एक दिन बच्चलन चालू, बेहया, न जाने क्या क्या कहा लोगों ने मुझे। मन तो किया कि मैं भी राजेश की तरह, लेकिन तेरा चेहरा देखकर हमेशा रुक जाती। मैं ये सब कुछ ना बुरा सपना सोचकर भुला चुकी थी, लेकिन अब वही सब कुछ हो रहा है मेरे साथ। मैं ये सब सहन कर सकती हूं, लेकिन दुख इस बात का है कि तू भी मुझ पे यकीन नहीं करती। रीमा चौहान वाला केस? हाँ याद है मुझे। इस मामले में हमसे जो कुछ बन पड़ा हमने किया, यहाँ तक कि 2003 में अलग अलग पेट्रोलिंग टीम बनाई उस लोकेलिटी पर नजर रखने के लिए। और एक रात रुक रुक, गाड़ी पीछे ले, पीछे ले। जी सर। ए रुक, कौन है वहां, क्या कर रहा है? ए रुक रुक रुक, वरने गोली मार दूंगा। रुक, इधर आ, पास में गमछा निकाल मुझसे। जगन जल्दी। अरे ही दूर से पर आपने उसे देखा था? कोई ऐसी खास निशानी जो आपको याद हो? अंधेरा बहुत था, कुछ खास देख नहीं पाया। हाँ, जिस तरह से फुर्ती से उसने मुझ पर गोली चलाई, पक्का कोई ट्रेंड आदमी था। कोई पुलिस वाला? हाँ, शक तो मुझे भी था। मुझे लगा या तो कोई पुलिस वाला है या पुलिस वालों के साथ मेलजोल जरूर रहा होगा। जब हमारी सारी कोशिश फेल हो गई तो हमने जनता की मदद मांगी।
देखिए, डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों को केवल पुलिस की आंख और कान बनना है। कोई भी बाहर का आदमी दिखे जिसका बर्ताव अजीब सा हो तो फौरन पुलिस को सूचित कीजिए। उसे पकड़ने की कोशिश मत कीजिएगा क्योंकि उसके पास गन है। इंस्पेक्टर साहब, गन हो या तोप, एक फौजी किसी से नहीं डरता है। विकास जी, तैश में आकर कोई भी कदम मत उठाइएगा, फौरन पुलिस को सूचित कीजिएगा। जरूर, लेकिन उसे जान से मारने के बाद। और आप चिंता मत कीजिए, मेरे रहते हुए हर कोई सुरक्षित है। वो कमीना बचना नहीं चाहिए। हमने 3-4 स्केच बनवाए। हैरानी की बात यह थी कि उनमें से एक स्केच हमारी खबरी अंगद से मिलता जुलता था। आपने अंगद को अरेस्ट किया? फौरन धर दबोचा। तलाशी लो उसके घर की। साहब, घर का कोना कोना छान मारो। साहब, मेरे घर की तलाशी क्यों ले रहे हैं साहब आप? कहां से आए साहब हम तेरे पास? ये सब उन्हीं का है ना जिनका रेप हुआ है? साहब, मैं सच कह रहा हूँ साहब, मुझे कुछ नहीं पता। मैं महीने में ठीक से 10 दिन भी घर पे नहीं रहता हूँ साहब, तो मुझे पता नहीं है सामान कहाँ से आया है। तू ऐसे नहीं उगलेगा, ले चलो इसे थाने। तो फिर अंगद को आपने रीमा के केस से कनेक्ट क्यों? कैसे करते? एक तो अंगद ने कभी अपना जुर्म कबूल नहीं किया, दूसरे रीमा तब तक अपनी बेटी के साथ शहर छोड़कर जा चुकी थी। हाँ, इस बात का सुकून है कि मेरे ट्रांसफर होने से पहले ये केस क्लोज हो गया। 18 साल के बाद उस आदमी ने फिर से रीमा से कॉन्टेक्ट किया है। क्या? यस। आपको क्या लगता है, क्या ये अंगद हो सकता है? अंगद कैसे हो सकता है? अंगद तो 2013 में जेल में मर गया, दिल का दौरा पड़ा था उसे। सर, अंगद को मरे हुए पूरे 6 साल हो चुके हैं। ये रीमा चौहान ये सब नाटक पब्लिसिटी के लिए कर रही है फॉर श्योर। कैसी पब्लिसिटी? क्या मिलेगा उसको पब्लिसिटी का? एक बार को अपने बारे में ना सही सी, पर कम से कम अपनी बेटी के बारे में तो सोचे। और वैसे भी ये तो कंफर्म है ना कि उस रात रीमा को कॉल आया था। हेलो, कैसी हो मेरी जान? ये भी तो हो सकता है सर, कोई कॉपीकैट। चांसेस बहुत कम। चलो मान लेते हैं कि मुजरिम अभी भी फरार है। वक्त के साथ उसका काम करने का तरीका भी बदला, पहले चोरी, फिर रेप, उसके बाद मर्डर्स। जब रीमा का रेप हुआ तब उसकी उम्र होगी कोई 35-37, तो इस वक्त उसकी उम्र होनी चाहिए 52-55 के बीच। गुंजन, माँ को चल के सब बताना, अभी डरना मत। आ गए तुम लोग खेलकर? आ जाओ, भूख लगी होगी है ना? बेटा, ये सूरज अंकल है, अब हम लोग के साथ ही रहेंगे। नमस्ते करो। बड़े प्यारे बच्चे हैं तुम्हारे। सर, जितना हमने सोचा था उससे कहीं ज्यादा बड़ा मामला निकला। ये तो सबसे पुराना केस 28 साल पहले का है। इतने अरसे में 51 ऐसे रेप केसेस मिले हैं जिनमें सेम मॉडल्स ऑपरेंट का इस्तेमाल हुआ। इसके अलावा 13 मर्डर केस में और 178 लूट केस में सेम पैटर्न फॉलो हुआ है। मतलब अंगद के जेल जाने के बाद भी ये केसेस होते रहे। एरिया कौन सा था? राजस्थान के अलग अलग शहरों के केसेस हैं सर। ये 1990 से 94 तक अलवर, 1994 से 97 जोधपुर, फिर 3 सालों तक उदयपुर, और उसके बाद 2004 तक जयपुर। और इनमें से कहीं भी किसी भी जगह इस आदमी के खिलाफ कोई सुराग नहीं मिला? 2004 में 3 रेप विक्टिम्स हैं, कल्प्रिट का DNA सैंपल कलेक्ट किया गया था। इस DNA को अंगद के क्लोज रिलेटिव के एक DNA से मैच करके देखो। सर, DNA सैंपल अंगद के भाई से मैच नहीं हुआ। बेचारा अंगद पूरी जिंदगी जेल में खत्म हो गई।
एनीवे डीएनए सैंपल है हमारे पास, एक काम करो जितने भी मॉलेस्टर रेपिस्ट हैं उनके डीएनए से मैच करो। ओके सर। हेलो मेरी जान, कैसी हो? बहुत दुख हुआ जानकर कि तुम्हारी बात पर कोई यकीन नहीं कर रहा। बकवास बंद करो और हिम्मत है ना तो सामने आओ। तुम कायर हो, कायर हो तुम। बोलोगे भी क्या बोलना है तुम्हें? माँ वो अंकल बड़े मजाकिया बच्चे हैं तुम्हारे। अच्छा बच्चों मैं बाजार जा रही हूँ, 7 बजे तक आऊंगी, तब तक अंकल के साथ रहना, इन्हें परेशान मत करना। हुँ? सर डीएनए अलवर के कैदी से पार्टली मैच हो रहा है लेकिन इसकी उम्र तो 30 साल है। फिर ये वो नहीं हो सकता। आई थिंक उस आदमी को ट्रेस करने के लिए हमें किसी एक्सपर्ट की मदद लेनी होगी। देखिए ये डीएनए पार्टली मैच हो रहा है यानी ये कैदी उस खूनी का रिश्तेदार हो सकता है। एक्चुअली हमें इस कैदी के मदर और फादर के सभी रिलेटिव्स की एक लिस्ट बनानी होगी और सबका डीएनए मैच कराना होगा। लेकिन पुलिस हताश नहीं हुई, डटी रही और कई महीनों की कड़ी मेहनत के बाद डीएनए एनालिसिस के जरिए 2300 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया। लेकिन अब भी मंजिल बहुत दूर थी। इन्हीं 2300 लोगों में एक वो अपराधी भी था जिसकी तलाश पुलिस को लगभग 30 सालों से थी। करीब 1 साल गुजर गया तब जाकर सुरंग के आखिरी छोर पर रोशनी की किरण दिखाई दी। सर लोकेशन हिस्ट्री और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग हमारे पास अभी एक सस्पेक्ट है और वो ये है। माय गॉड, ये वो 30 सालों तक पुलिस की आंखों में धूल झोंकता रहा। इसको आज ही धर लेते हैं। नहीं, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। इसको बचने का एक भी मौका नहीं देंगे। पहले इसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करेंगे फिर दबोचेंगे साले को। नजर बना के रखो उस पर, कुछ भी हलचल हो तुरंत मुझे इन्फॉर्म करना सर। ओके हमेशा। रिपोर्ट आ गई। अब सही वक्त है। आता है साले। इस सालों तक पुलिस की आंखों में बहुत धूल झोंकी है तूने। नाउ यू आर अंडर अरेस्ट एक्स पुलिसमैन जगन शेखर। मेरे सौतेले बाप सूरज ने तेरे साथ गलत हुआ इसलिए तो दूसरों के साथ भी गलत कर रहा था। बचपन में जो मेरे साथ हुआ उस सदमे से उभरने के लिए मैंने छोटी छोटी चोरियां करना शुरू कर दिया। फिर घरों में घुसकर सिक्के चुरा लाया और ये काम मैंने पुलिस में आने के बाद भी चालू रखा। रेप करना कब से शुरू किया? 2000 से। पूजा ने क्या बिगाड़ा था तेरा? गलती पूजा की नहीं, पूरी औरत जात की है। उसी साल दिल टूटा था मेरा। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक चलता रहा लेकिन एक दिन वो मुझे छोड़कर किसी और के साथ चली गई। तभी से मुझे औरतों से नफरत होने लगी और उसके बाद मैंने एक के बाद एक औरतों को शिकार बनाना शुरू कर दिया। अंगद, अंगद को क्यों फंसाया? मेरे सीनियर मुकेश जी की पेट्रोलिंग बहुत तेजी से चल रही थी, मेरा काम करना बहुत मुश्किल हो गया था। मैंने सोचा अंगद को फंसाऊंगा
तो पेट्रोलिंग थोड़ी ढीली हो जाएगी और मेरा काम आसान हो जाएगा। और हुआ भी वही। इतने सालों के बाद रीमा को कॉल क्यों किया? मैंने नया नया सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना शुरू किया था और एक दिन उसी पर मुझे रीमा दिखी। मैंने उसका पीछा किया और मैंने उसका टेलीफोन नंबर उसके पड़ोसी से ले लिया। मैं सिर्फ उसे डराना चाहता था क्योंकि कोई भी औरत मेरी आवाज़ सुनकर कांप उठे, ये ख्याल आते ही मुझे बहुत मजा आता है। सॉरी मॉम, मैं गलत थी। आपने मेरे लिए कितने सैक्रिफाइस किए और मैं नहीं, बल्कि तूने मुझे हिम्मत दी है वापस लड़ने की। अपना जगन जैसे लोगों का खौफ है और नई सोसाइटी के तानों की फिक्र। अब देखना, मैं अपनी बाकी की जिंदगी ना एकदम बेखौफ जीऊंगी। हमारे समाज में बलात्कार करने से ज्यादा उंगलियां पीड़िता पर उठती हैं कि लड़की ने क्या कपड़े पहने थे, क्यों रात को वो बाहर गई थी। ऐसे बेबुनियादी सवाल हमारा यही सो कॉल्ड सभ्य समाज उठाता रहता है, जबकि वास्तविकता यह है कि बलात्कार से अगर किसी का चरित्र कलंकित होता है तो वो सिर्फ बलात्कारी का। इस बुनियादी बात को क्यों आज 2021 में हमें बार बार दोहराना पड़ता है? ये कैसा सिस्टम है जहां एक बलात्कारी को तो आसानी से जमानत मिल जाती है लेकिन बलात्कार से पीड़ित औरत को सालों साल इंसाफ नहीं मिल पाता? ये चुभने वाले सवाल हमें खुद से और प्रशासन से भी करने होंगे। ये रीमा की हिम्मत ही थी जो वो सालों से अपने अंदर दफन खौफ को मिटाने में कामयाब हुई। रीमा ने जिस तरह समाज के तानों की परवाह किए बिना इंसाफ के लिए आवाज उठाई वह वाकई अभिनंदनीय है। अब मैं आशुतोष राणा आपसे विदा लेता हूं। हम फिर मिलेंगे एक ऐसी ही कहानी के साथ जो आपको रखेगी सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।